हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। देखिए 28 दिन 2010 का पेपर, बहुत ही मुश्किल से ये पेपर आप लोग के बीच लाए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, दिए हुए काले अक्षर को शब्द को विपरार्थक शब्द को छाटिए। तो क्वेश्चन है अनुकूल, अनुकूल का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। ऑनलाइनर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करता है, कौन सा गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करता है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल को ओजोन स्तर को अपघटित करता है। तो तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष। सांसद और प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। प्रश्न है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो वो थे खगोल वेता। आर्यभट्ट कहा जाता है कि आर्यभट्ट बिहार के निवासी थे, तो वो थे खगोल वेता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो वो है 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नीचे लिखे वाक्यों में से सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, ऑप्शन है सिर धुनाता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है और फूट फूट कर रोता है। तो देखिए, आखिर एक दिन अत्याचार का अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों का स्वयं, और इसका सही जवाब होगा स्वयं फूट फूट कर रोता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा वो है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 50 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ एक या 2 रुपये के छोड़कर सभी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वो है खेल प्रशिक्षण। खेल के कोच को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। 2010 का करेंट अफेयर आ गया कि पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, का सवाल है, वो है कुमार संगकारा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। तो इसका एक ट्रिक था पहुना। तो देखिए, पहुना में बनारस नहीं है, तो उसका सही जवाब होगा कि बनारस में कुंभ मेला नहीं लगता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो है 21%। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होता है, तो है
द्रव गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी होती है, तो वो है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बहुचर्चित पुरस्कार सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है, बहुचर्चित पुरस्कार सेनेटिक वर्सेज का लेखक कौन है, तो वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने सेनेटिक वर्सेज का लेखन किया है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो वो है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है कि रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम होता है, रुपये के तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम होता है, तो वो है येन, येन है जापान का, येन जापान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, वो है उर्दू। उर्दू जो भाषा है उत्तर प्रदेश और बिहार का दूसरी राजभाषा है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो वो है बैडमिंटन। साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। 21वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। ऑप्शन है कमरा, अंतपुरा, खाना खाना खान और बैठक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बैठक, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष, तो सुसज्जित कक्ष को बैठक भी कहा जाता है, बैठक रूम। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो रबर का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो है केरल, केरल सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है, तो वो है राजस्थान। देखिए पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है कि कौन सा रक्त हर वर्ग के रक्त वर्गों के लिए मनुष्य को दिया जा सकता है, कौन सा रक्त हर रक्त वर्ग वाले को, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो है ओ पॉजिटिव के रक्त को सभी वर्गों को लोगों को दिया जा सकता है। जब कोई राज राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो वो होगा संसद। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो वो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे जाना जाता है, तो वो हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनिए, तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किया है, तो सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण और जल त्याग। तो देखिए अनशन दिया है, इसका सही जवाब होगा आमरण, आमरण अनशन किया है। दिए गए काले अक्षर में प्रवाची शब्द को छाटिए, प्रवाची शब्द को छाटिए, राष्ट्रीय झंडे को हम सभी अभिवादन करते हैं, तो देखिए प्रवाची शब्द को, तो यहाँ पर झंडा का
प्रवाची शब्द करना है कि कौन झंडा का प्रवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि झंडा को ध्वज भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ध्वज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है, ब्रिटेन के मुद्रा का क्या नाम है, तो वो है ब्रिटेन का पौंड, ब्रिटेन का पौंड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शनि, सूर्य, बृहस्पति और बुध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। कथकली नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, बंगाल और पंजाब। तो कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे जाना जाता है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और एमडी बिल गेट्स को, बिल गेट्स को। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है, तो वो है यकृत में, पीत यकृत, पीत यकृत। नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था वो किनके बीच लड़ा गया था, तो वो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, वो है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है, तो वो है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। पित्त बनता है यकृत में और आरसीबी लाल रक्त कण जो है वो अस्थि मज्जा में बनता है। तो लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व और सिख मत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन मत से संबंधित है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।